जी दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज में। आज दिनांक 12 सितंबर 2023 और हम प्रतिदिन करंट अफेयर्स के 10 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं विद डिटेल्स, ताकि आपको उस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। आज के सवाल कुछ इस प्रकार होंगे, जैसे कि इससे अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 की ट्रॉफी जीतने से लेकर भारत में एनवीडिया के द्वारा एआई सुपर कंप्यूटर क्लाउड विकसित करने तक। तो चले जानते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर को एक एक करके, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आज का पहला प्रश्न है, NGEL ने किस राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन हब विकसित करने के लिए VOCPA के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य में। आप इसके बारे में इत्यादि जानकारी राइट हैंड साइड से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न दो है, वर्तमान समय में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की फीफा रैंकिंग क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 102 की रैंकिंग है भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की फीफा रैंकिंग में। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं वर्तमान समय में फुटबॉल पुरुष टीम के कप्तान कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न तीन है, कौन सा राज्य अल्पसंख्यक समुदाय को वाहन खरीद पर 3 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक समुदाय को वाहन खरीद पर 3 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान करता है। आप इसके बारे में इत्यादि जानकारी राइट हैंड साइड से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न चार है, SAAF U16 चैंपियनशिप 2023 ट्रॉफी किस देश ने जीत लिया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अपने प्यारे देश भारत ने। आप इसके बारे में इत्यादि जानकारी राइट हैंड साइड से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न पाँच है, किशोर जेना ने इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 5 2023 एथलेटिक्स में कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदक। आप किशोर जेना का तस्वीर राइट हैंड साइड में देख सकते हैं। प्रश्न छः, नागालैंड विधानसभा का 14वां संस्करण कब से शुरू हुआ है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 11 सितंबर 2023 से, अर्थात कल से नागालैंड विधानसभा का 14वां संस्करण शुरू हुआ है। प्रश्न सात है, भारत में एआई सुपर कंप्यूटर क्लाउड विकसित करने के लिए एनवीडिया ने किसके साथ साझेदारी की है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ। आप इस साझेदारी के बारे में इत्यादि जानकारी राइट हैंड साइड से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न आठ है, अवाडा ग्रुप ने किस राज्य के गोपालपुर इंडस्ट्रियल पार्क में एक ग्रीन हाइड्रोजन यूनिट स्थापित करने की घोषणा की है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ओडिशा राज्य के इंडस्ट्रियल पार्क में। आप इसके बारे में इत्यादि जानकारी राइट हैंड साइड से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नौ है, किस देश की राजधानी खार्तूम के दक्षिण में एक हवाई हमले में लगभग 40 लोग मारे गए हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सूडान की राजधानी खार्तूम के दक्षिण में। आप इसके बारे में इत्यादि जानकारी राइट हैंड साइड से प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, 10वें प्रश्न को बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दे। तो बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर, किसने रायपुर में 700 बेड के अस्पताल भवन की आधारशिला रखी है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। आप इसके बारे में इत्यादि जानकारी राइट हैंड साइड से प्राप्त कर सकते हैं। और आप हमसे इन सभी सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू एंड बाय बाय।